बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। एंड हम लोग जो है आ चुके हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है इनर ग्लू टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। एंड ये जो टेक्स्ट जो है बड़े यूट्यूबर बहुत ही यूज़ करते हैं, मतलब कि प्रोफेशनल सा जो है थंबनेल बनाने के लिए, एंड छोटे यूट्यूबर्स क्या थंबनेल नहीं बनाते, चलिए रहने दीजिए। एंड ये बनाना बहुत ही आसान सा है। एंड इसमें जो है ना मैंने दो एप्लीकेशंस जो है यूज़ किए हैं, एक जो है पिक्सल ऐप एंड पीएस टच। तो आप लोग दो एप्लीकेशंस यूज़ करके ये आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर पिक्सल लैब ओपन किया। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आप लोगों ने जो है टेक्स्ट जो है यहाँ पर से जो है एडिट कर लेना है, जो भी आप लोग लिखना चाहें एनीवन। तो यहाँ पर मैं जो है एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, मेक इनर ग्लो टेक्स्ट, ठीक है। सो उसके बाद आप लोग इसे एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, बट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है पी एस टच में जो है इसे एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। सो अब जो है यहाँ पर से जो है मैं इसका जो है फाउंट वगैरह चेंज कर देता हूँ, जो भी आप लोग इसका फाउंट चेंज करना चाहिए। एंड फाउंट्स आप लोग कैसे ऐड कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक आप लोग को मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, देख लीजिएगा। एंड उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर से जो है टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद इसे जो है ट्रांसपेरेंट में कर इससे जो है सेव इमेज कर लेना होगा आप लोगों ने। सो अब जो है यहाँ पर से जो है मैंने ओपन कर लिया है जो है पी एस टच। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर से जो है आप लोगों ने 1920x1080 का जो है ब्लैक बैकग्राउंड ले लीजिएगा। एंड अब जो है यहाँ पर से जो है आप लोगों ने अपना जो है टेक्स्ट जो है इंपोर्ट कर लेना होगा, जो कि आप लोगों ने अपना जो है ना पिक्सल लैब से बनाया था। तो मैं जो है यहाँ पर से जो है टेक्स्ट ले आया। एंड यहाँ पर से जो है एनी वन कोई सभी जो है मैं बैकग्राउंड आप लोग को दिखाने के लिए जो है फिल कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ पाएँ, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा जो है एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है बड़ा दिख रहा है, तो मैं इसे जो है ना दोबारा से कस्टमाइज़ करूँगा, ट्रांसफॉर्म मतलब कि कर लूँगा। एंड अब जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं हमारा जो है टेक्स्ट बन चुका है। सो इसके जो है सबसे पहले सेलेक्ट पिक्सल्स कीजिएगा, एंड सिंपली आप लोग यहाँ पर से जो है इसको जो है ग्रेडियंट दे दीजिएगा। तो मैं जो है इसे ग्रेडियंट दे देता हूँ। एंड आप लोग अपना जो कोई सा भी जो है ग्रेडियंट बना सकते हैं। सो मैं जो है कुछ ये वाला सिंपल सा ही ग्रेडियंट दूँगा। सो अब आप लोगों ने जो है इसके सेलेक्ट पिक्सल्स करने हैं। सेलेक्ट पिक्सल्स करने के बाद एम्प्टी लेयर एक ले लेनी है, एंड उसके बाद इसको इन्वर्स आप लोगों ने कर लेना है। एंड अब जो है यहाँ पर से इससे जो है आप लोग अपने एक जो है कलर से जो है इसे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। कलर फिल करने के बाद यहाँ पर से जो है आप लोग ब्लेंडिंग में जाइएगा एंड लीनियर डॉज ऐड करिएगा। एंड सिंपली आप लोग जो है यहाँ पर एफएक्स में जाकर इसे गाशियन ब्लर दे देने, एंड इसकी अमाउंट वगैरह एडजस्ट कर लेनी है। और आप लोग ये यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कैसा जो है हमारा जो है इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो येलो वाले को छोड़ दीजिए, ये हमारा जो है सेट हो जाएगा। सो अपनी जो है इनर ग्लो को देखिएगा, सही है। तो अब जो यहाँ पर से जो आ चुके हैं, नीचे वाले का सेलेक्ट पिक्सल करिएगा, एंड ऊपर वाली हमारी जो है लेयर को जो है इस एक्सट्रैक्ट आप लोगों ने कर लेना है। एंड यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि हमारा जो है ग्लू आ चुका है एक बहुत ही ज़बरदस्त सा, ठीक है। एंड इस तरीके से आप लोग ग्लू दे सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस ही नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।